खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। साध्वी प्रज्ञा से जुड़ी हुई ये खबर है। साध्वी प्रज्ञा को एनआईए की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह, जिनको बड़ी राहत मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत एनआईए की तरफ से, एनआईए कोर्ट की तरफ से साध्वी प्रज्ञा को ये बहुत बड़ी राहत मिली है। साध्वी प्रज्ञा, आपको बता दें, बीजेपी की प्रत्याशी है भोपाल से, और मालेगांव ब्लास्ट को लेकर वो आरोपी भी हैं। और बड़ी खबर यह है कि चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगेगी साध्वी प्रज्ञा पर। साध्वी प्रज्ञा को चुनाव में बहुत बड़ी राहत मिली है, चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगेगी। एनआईए कोर्ट ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगेगी। तो ये बहुत बड़ी राहत चुनाव से पहले साध्वी प्रज्ञा को मिली है एनआईए कोर्ट की तरफ से। उनके चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। एनआईए कोर्ट ने कहा है कि चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकते। सीधा रुख करते हैं अमेय राणे, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमेय, बहुत बड़ी राहत साध्वी प्रज्ञा के लिए, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से? जी, हमारा कोर्ट ने ये याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि कानूनी तौर पर इस याचिका का कोई भी यहाँ पर रुझान नहीं लगता है। कानूनी तौर पर जो याचिका में मांग रखी गई थी वो साबित नहीं होती। उसी के साथ साथ जो स्पेशल एनआईए कोर्ट के जज है विनोद पाडालकर, उन्होंने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि किसी भी आरोपी को चुनाव लड़ने से रोकना, ये काम किसी भी कोर्ट के निर्णय के ऊपर आधारित नहीं होता है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है और इस मामले में अंतिम निर्णय इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए नासिर बिलाल, जो एक पीड़ित है जिन्होंने अपना बेटा मालेगांव साल 2008 के बम धमाकों में खोया था, उन्होंने ये कोर्ट में याचिका दायर की थी कि साध्वी की जमानत जो है वो खारिज करके उन्हें जो भोपाल से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है उसे नाकारा जाए। लेकिन मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने इस याचिका को आज खारिज कर दिया है। अमान जी, हमें तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी आरोपी को चुनाव लड़ने से रोकना, ये कोर्ट को नहीं लेना है ये फैसला, अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। तो साध्वी प्रज्ञा को ये बहुत बड़ी राहत, चुनाव लड़ सकती हैं साध्वी प्रज्ञा, कोई अड़चन नहीं है। एनआईए कोर्ट से उनको ये बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आरोपी है तो उसे चुनाव लड़ने से रोकना, इसका फैसला कोर्ट नहीं करेगा, ये रोक चुनाव आयोग लगा सकता है। अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को करना है, चुनाव लड़ने का मामला चुनाव आयोग का है। एनआईए कोर्ट की तरफ से साध्वी प्रज्ञा को लेकर यह कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका इस पूरी जानकारी के लिए।